तो हेलो सलाम नमस्ते गाइस, गुड मॉर्निंग। उठ चुके हैं, आज का दिन बहुत बिजी रहने वाला है शायद, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा विले हैं। भाई हमारे घर जाना चाह रहे थे आज, लेकिन जाट भाई की मशीन अटक गई है रास्ते में। जाट भाई को समझ नहीं आ रहा है क्या करे। हाँ भाई जाट, क्या स्टेटस है तेरी मशीन का? तो भाई थोड़ी देर में अपडेट देते हैं आपको, जाट भाई जा रहे हैं नहीं जा रहे, और हम आज क्या करने वाले हैं, सोचते हैं अभी क्या करने वाले हैं। इतने बिजी हैं, हमको सोचना पड़ता है कि अब क्या करें, इतने काम है हम पे। तो गाइस फाइनली जाट भाई ने ट्रक अरविंद के जाने का भाई, फैसला ले लिया है, तो जाट भाई जा रहे हैं अपने गांव की ओर बडराई, वॉशिंग मशीन की डिलीवरी ले लें। और जाट भाई देखते हैं साथ में क्या लेके आते हैं हमारे लिए गांव से। चूरमा ले आई, अरे चूरमा बिना चूरमा ले नमक आया वाला। मैं। ठीक है भाई, ठीक है, ओके ओके भाई। तो गाइस आज तुम्हारा भाई रह जाएगा अकेला। पहले करेंगे थोड़ी सी कमरे की सफाई, खाना खुना बनाएंगे, फिर देखते हैं क्या करते हैं आज, कौन आता है दोस्त मिलने हमसे। अकेले दिन बिताना हो रहा है मुश्किल, थोड़े से हो रहे हैं बोर। फ्रूट्स काट लिए हैं, अब फ्रूट खा लेते हैं, फिर देखते हैं उसके बाद क्या करते हैं। गाड़ी भी वॉश करवानी है तो वहीं चले जाते हैं, थोड़ा टाइम पास होता है, या एक मार्केट जाना है, काम निपटा के आना है, वो कराते हैं। तो मिलते हैं थोड़ी देर में। तो गाइस नीचे आ चुका हूँ, विधवे भाई का वेट कर रहा हूँ, हमारे दोस्त रोहित भाई का। उसको, उससे बाइक लेनी है और उसको गाड़ी देनी है, क्योंकि बाइक लेके चला गया जाट, तो मेरे पास व्हीकल नहीं है मार्केट जाने के लिए, और गाड़ी लेके मार्केट जा नहीं सकते। तो रोहित भाई का वेट कर रहा हूँ मैं नीचे आके, कब आएगा वो। भाई जा चुका है हमारे विधवा भाई हमें बाइक देने। ध्यान से देखिए इस चेहरे को, बहुत अकड़ वाला बंदा है ये, आसानी से मिलता नहीं है। हेलो तो कर दे मेरी ऑडियंस को, 41 ऑडियंस को। चल ठीक है। तो गाइस गलवे भाई की भी मशीन आ चुकी है, गलवे भाई ने भी हमारी तरह मशीन ऑर्डर करी है। ओपनिंग हमारी सैमसंग की थी, ये वर्लपूल की है, इसका भी रिव्यू देंगे आपको। तो भी भाई गलवे भाई की मशीन का फर्स्ट लुक, वीडियो उतार लेते हैं। थोड़ी छोटी है ये साइज में सैमसंग से। गाइस ये कुछ पंजाबियों का त्यौहार चल रहा है, सिख कम्युनिटी का कोई सवारी आने वाली है बाबा जी की, हम भी देख लेते हैं कैसी सवारी है। कि मैं लेट बहुत ज़्यादा हो रहा हूँ, पर चलो कोई ना। ये स्वागत में पूरी सफाइयाँ की जा रही है, और हमारे पैर पूरी तरह गंदे कर दिए गए हैं, पर कोई बात नहीं, वाहेगुरु जी की सवारी आ गई है। कोई तो पर्व है आज, ये देखिए गाइस। बस जाऊँगा मैं अपने दोस्त मोहित की दुकान पे, वहाँ पे मिलते हैं आपको, तब तक आप बाबा जी की सवारी एंजॉय कीजिए। दोस्तों आ चुकी है बाबा जी की सवारी। पे हमारे परम मित्र कपाला जी भी हमें मिल चुके हैं, हिसार की बहुत ही मशहूर दुकान बालाजी गारमेंट्स पे। शॉपिंग कर दिया तगड़ी, लो पकड़ो एक बारी। बोल दे तू भी आराम, ऐसा ले दुकान की तारीफ करनी है बावड़ी बूझ। बोल हिसार वासी यहीं से शॉपिंग किया करें। बिल्कुल 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 भाई, आया जेन्युइन रेट में। यार मेरे को बोलना नहीं आता कपड़े की क्वालिटी को, क्या बोलते, ये तो कट जाएगा। प्रीमियम रेंज में क्वालिटीज अच्छी चाहिए तो आप प्रीमियम रेंज में क्वालिटीज अच्छी चाहिए तो आप बालाजी गारमेंट्स पे जरूर विजिट करें। श्री मोहित गर्ग जी, बालाजी गारमेंट्स के पेज को इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए, और साथ में मुझे भी कर दीजिए। बाले भाई के साथ जा रहे हैं थोड़ी सी शॉपिंग करने, भाभी के लिए फेशियल किट लेने, बच्चे के लिए कपड़े ले लिए हैं। शादी के बाद जिंदगी कुछ ऐसे ही चल रही है, बीवी बच्चों की शॉपिंग में, तो जल्दी से जल्दी आप भी शादी का लड्डू खाएं और इंजॉय करें, और जितनी लेट हो सके उतना शादी लेट करें। ओके गाइस मिलते हैं। कपाले भाई कर रहे हैं भाभी जी के लिए शॉपिंग, हम वेट कर रहे हैं बाहर बैठे। यह है हिसार का सुपर स्टोर, यहाँ फुल सस्ता सामान मिलता है, कॉस्मेटिक से जुड़ा कुछ भी ले सकते हैं आप। तो अब जाएंगे रूम की ओर, फिर देखते हैं रूम पे क्या करना है, जो काम था मार्केट का वो कर लिया है ख़त्म, अब बोर होएंगे रूम पे जाके, और तो क्या करेंगे। गाइस चल रहे हैं रूम की और वापस, ट्रैफिक का हाल कुछ ऐसा है आज, मौसम भी कुछ ऐसा ही है। अब ये पराली का धुआं है या धुंध है समझ नहीं आ रही, ठंड तो नहीं है बाकी,
तो मिलते हैं रूम पे। रूम के नीचे से ले रहे हैं फ्रेश फ्रेश सब्जी, सब्जियां ले ली गई है। अब चलते हैं कुछ बनाते हैं। आज अपने दोस्त मोहित जी आ रहे हैं जिनकी दुकान पे मैं जाके आया था अभी डिनर पे, और कुछ काम भी है हमें तो वो भी कंप्लीट कर लेंगे और अब बना करते हैं डिनर की तैयारी। तो गाइस चल रही है खाने की तैयारी, लहसुन छील दिए हैं, बनाते हैं इसका पेस्ट। मैं बनाऊंगा आज पनीर टिक्का और पनीर बटर मसाला अपने दोस्त के लिए। मोहित भाई को मेरे हाथ का खाना अच्छा लगता है, कहता तो है बाकी दिल रखने के लिए कहता है ये वही जाने, लेकिन भाई के लिए बनाएंगे प्रेम से। तैयारियां कर दी गई हैं, अब तड़का लगा रहा हूँ सब्जी में, बना रहे हैं भोजन भाई के लिए। तो गाइस अब मैं बनाऊंगा पनीर टिक्के का मसाला। ये है टंगा हुआ दही हैंकर्ड, इसमें जाएगा सरसों का तेल, देगी मिर्च, कलर भी सी से कलर नहीं डालना, कलर नुकसानदायक होता है। बाकी मैं सब डालते हुए तो आपको नहीं दिखा सकता क्योंकि मैं खुद ही फोन पकड़ रहा हूँ, खुद ही बना रहा हूँ, इसलिए बस आपको बता दिया, अपडेट दे दिया। ये बना रहा हूँ मैं पनीर टिक्के का मसाला, और कुछ तो आज कुछ करने को था नहीं, बोरिंग सा दिन है, बस खाना बनाएंगे खाएंगे। टिक्कों की तैयारी हो चुकी है शुरू। रोहित भाई वधवा जी ने चैलेंज लिया आग जलाने का, कोयले सुलगने का। क्या रोहित जी सुलगा पाएंगे कोयले? यस ब्रो। गाइस टिक्का बनने तैयार हो चुके हैं, अब खाने की तैयारी है, थोड़ी देर में पकते ही। मैंने फटाफट डोंगा खाली कर दिया है, रिव्यू भी नहीं दिया। कैसा बना भाई चिकन टिक्का? एकदम बढ़िया। तो गाइस चिकन टिक्का वगैरह खा लिया है, डिनर कर लिया है, रोहित भी अपने घर चला गया है, तो साफ सफाई करके अब मैं भी सोने की तैयारी करता हूँ। तो आज तो इतना ही था, बोरिंग सा दिन था, कल देखते हैं क्या करेंगे। आज के लिए गुड नाइट गाइज, मिलते हैं गाइज नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय।